राजस्थान के पास झंडूपुर नाम का एक गांव था, जहां रामलाल नाम का गरीब आदमी रहता था। रामलाल गांव की सबसे बड़ी जनरल स्टोर पर काम करता था। यह जनरल स्टोर भीकू राम का था। भीकू राम एक निर्दयी, कंजूस और लोभी बनिया था। रामलाल, चावल आ गए हैं, जाओ जाकर बोरियां उठा लाओ। मालिक, मुझसे एक कुंटल की बोरी नहीं उठाई जाती, आप मजदूर बुला लीजिए। चुपचाप बोरी उठा कर लाओ, वरना तुम्हारी इस महीने की सैलरी आधी काट दूंगा। बेचारे दुबले पतले रामलाल को एक एक क्विंटल की बोरियां उठानी पड़ी। अंतिम बोरी ढोते ढोते रामलाल बेहोश हो गया। जब रामलाल को होश आया तो भीकू राम उसके सामने खड़ा था। तुम बेहोश हो गए थे, तुम्हें होश मिलाने के लिए डॉक्टर को बुलाना पड़ा और डॉक्टर की फीस देनी पड़ी। डॉक्टर की फीस के रुपए तुम्हारे सैलरी में से कटेंगे। शाम को जब रामलाल घर पहुंचा तो उसकी पत्नी नीलम उससे बोली, वलम जी, मुझे एक नई साड़ी खरीदनी है, मेरी बहन की शादी है कल। बहुत बड़े बड़े लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आएंगे, मेरे पास एक भी साड़ी नहीं है। तुमने पिछले महीने ही साड़ी खरीदी थी, वही पहन कर चली जाओ। वो साड़ी तो मैंने घर पर पहनने के लिए खरीदी थी, तुम मुझे इतने शुभ अवसर पर एक साड़ी खरीद कर नहीं दे सकते? मेरा बहुत बड़ा कारोबार नहीं है, मैं सिर्फ एक दुकान पर नौकरी करता हूँ, मेरे पास पैसे होते तो मैं जरूर ला कर देता। इतना कहकर थका हारा रामलाल सोने चला गया। नीलम यह सुनकर रामलाल से नाराज हो गई और अगले दिन उसके पास जो था उसे वही पहनकर जाना पड़ा। एक दिन अचानक नीलम के पेट में दर्द उठा। रामलाल भागकर डॉक्टर को बुला लाया। तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट है लेकिन वो स्वस्थ नहीं है, इसकी सेहत का ख्याल रखो, मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, इन्हें समय पर देते रहना। रामलाल ने 5 दिन लगातार अपनी पत्नी का ख्याल रखा, जिस कारण वह काम पर नहीं जा सका। नीलम के बीमार होने की वजह से इस महीने का खर्च बहुत बढ़ गया। रामलाल 5 दिन बाद अपने काम पर वापस लौटा। मालिक, इस महीने सैलरी कुछ बढ़ा कर दे देते तो बहुत एहसान होता। मालिक, क्या कहा, तुमने सैलरी बढ़ा कर मांगी, इसलिए इस महीने तुम्हें 5 दिन का वेतन काट कर दिया जाएगा। लेकिन मालिक, मेरी पत्नी। चुप रहो और काम पर ध्यान दो। मालिक इतना कहकर अपने घर चला जाता है। कुछ देर बाद दुकान पर एक आदमी अंडे की डिलीवरी करने आता है, जिसके पास पीले और सफेद 2 प्रकार के अंडे होते हैं। जी, अंडे चाहिए। अभी अंडे नहीं है, आप अगले महीने आना। एक बात तो बताओ, जरा ये अंडे पीले कब से होने लगे? ये सोने के अंडे हैं। मेरे पास एक मुर्गी है जो सोने के अंडे देती है, एक अंडा 200 रुपए का है। सोने का अंडा, वो भी सिर्फ 200 रुपए में? रामलाल के पास सिर्फ 400 रुपए थे, उसने 2 अंडे खरीद लिए। अगले दिन सुबह होते ही वह अंडे लेकर सुनार के पास गया। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या, ये अंडा नकली है। क्या, नकली है? उस आदमी ने मुझे पागल बना दिया। रामलाल वापस अपने घर की तरफ लौटा और गुस्से में आकर उसने 1 अंडा जमीन पर फेंक दिया। अंडा फूटा और अचानक से उसमें से एक भूत बाहर आया। डरो नहीं, एक पाखंडी बाबा ने मुझे अंडे में कैद कर लिया था, आज मैं तुम्हारी वजह से मुक्त हो पाया हूँ। मैं तुम्हें किसी विषय में सलाह दे सकता हूँ या एक ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, बताओ तुमने क्या चुना है? मेरी सबसे बड़ी समस्या मेरी गरीबी है, मैं जिस दुकान पर काम करता हूँ उसका मालिक बहुत कंजूस स्वभाव का है, मुझे मासिक वेतन भी बहुत कम मिलता है, मैं अपनी गरीबी कैसे दूर करूँ, इस विषय में मुझे एक सलाह चाहिए। अपनी पत्नी का मंगल सूत्र बेच कर अपनी दुकान खोलो, ये दुकान शुरुआत में छोटी होगी, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि आने वाले समय में तुम इसे कितना बड़ा बना सकते हो। रामलाल ने ऐसा ही किया और 1 साल बाद उसकी आमदनी काफी बढ़ गई। उधर भीकूराम का स्वभाव अच्छा ना होने के कारण उसकी दुकान में कोई नौकर टिक नहीं पाया। धीरे धीरे कस्टमर्स भी कम होने लगे। भीकूराम एक दिन परेशान होकर रामलाल के पास पहुंचा। रामलाल, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, मैं आज बहुत गरीब आदमी हो गया हूँ,
कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, मुझे अपने कर्मों का बहुत पछतावा है रामलाल। रामलाल को भीखू राम पर दया आ गई। रामलाल के पास एक सोने का अंडा बचा हुआ था जिसे उसने भीखू राम को दे दिया और साथ ही यह भी बताया कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। घर पहुँचते पहुँचते भीखू राम का लोभी और लालची मन जाग उठा। उसने अंडा फोड़ा और भूत से ख्वाहिश मांगी। मेरे अलावा गांव के सारे दुकानदार गांव छोड़कर चले जाएं, मेरी दुकान गांव की एकमात्र दुकान हो। ठीक है, मैं आपके इस ख्वाहिश को पूरी कर देता हूँ। इस तरह भीखू राम की ख्वाहिश पूरी हो गई। कुछ ही दिनों में भीखू राम की कमाई आसमान छूने लगी। अब चूंकि गांव में एक ही दुकान थी इसलिए गांव के लोगों को मजबूरी में भीखू राम की दुकान से ही सामान खरीदना पड़ता। भीखू राम की दुकान पर दर्जनों नौकर काम करने लगे और भीखू राम का अहंकार बढ़ता ही गया। फिर एक दिन अचानक गांव में डाकू आ गए। डाकुओं को गांव में भीखू राम की एकमात्र दुकान दिखी। डाकुओं ने दुकान को लूट लिया और इस तरह से भीखू राम अपने लालच के कारण पहले से भी ज्यादा गरीब हो गया।